वीडियो को शेयर कर लेना कहीं भी, अपने पास सेव कर लेना, और रिजल्ट में वाले दिन मुझे ऑनेस्टली बता देना कि सर मैंने ये फॉलो किया था। अगर फेल हो गए फॉलो करने के बाद तो मेरा गला पकड़ लेना, ठीक है? जो चीजें बता रहा हूँ बस ऑनेस्टली फॉलो करना। भी नहीं आता तो वीडियोस देखिए पहले, तो आप वीडियो से आप कंसेप्ट लर्निंग करिए, किसी भी टीचर की देख लो आप, मैं जरूरी नहीं मेरी है, कोई भी अच्छा टीचर जिसका आपका समझ आता है, कंसेप्ट लर्निंग करें वीडियो से। उसके बाद आप आए 3000 MCQ की तरफ, उसके लेवल वन तक आप कर लें, लेवल टू की जरूरत नहीं है, लेवल वन कर लें। 3000 MCQ अरिहंत की आती है, PDF आपको मिल जाएगी इजीली, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में है, किसी भी बच्चे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना दे देगा, ठीक है जी। उसके बाद आप करेंगे प्रीवियस ईयर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, और भरोसा रखना है अपने ऊपर, ठीक है जी। आप 45 दिन में इसके अलावा कुछ नहीं करना, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ये स्टेप फॉलो करना है। वीडियो देखी, कंसेप्ट लर्निंग पूरे कर ली, 3000 MCQ लगा ली, उससे भी एक बार कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके कंसेप्ट बहुत ताबड़तोड़ है, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन्ड है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आपने फोकस कर लिया, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी चीज टच भी नहीं करना। देखो मैथ की कोई लिमिट नहीं है, आपको हर सवाल नया मिलेगा ही मिलेगा, कोई बोलेगा ये कर दे, कोई बोलेगा ये कर ले, कोई ये किताब, ये किताब, ये किताब, आखिरी में बच्चा कुछ भी नहीं करता। एक किताब पकड़ पूरी कंप्लीट कर दे, दो बार कंप्लीट कर दे, पेपर निकल जाएगा, मेरी गारंटी है, कोई भी किताब पकड़ ले, ठीक है? तो ऑनेस्टली एक किताब को आप दो बार पढ़ लोगे ज्यादा बेटर है, जबकि 20 किताबों को एक एक बार पढ़ोगे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है? क्या बोला? रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सेस।